लेकिन जो सीट का कुशन है वो काफ़ी अच्छा है और सीट में स्पेस भी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जो स्टिकर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बबल्स हैं थोड़े से, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में, लेकिन लुक्स अभी भी थोड़े से ऐसा लग रहा है और बेहतर हो सकते थे। वाइब्रेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं इंजन के एक बार। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं 2024 बजाज पल्सर NS125 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। 105,000 रुपीज के आसपास की इसकी एक शोरूम प्राइस है। पल्सर 125 अगर आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 86,000 रुपीज के आसपास की मिलती है। और अगर इसी सेगमेंट में आप टीवीएस रेडर पर जाते हैं तो उसकी भी जो एक शोरूम प्राइस है स्मार्ट कनेक्ट मॉडल की वो 1,07,000 1,05,000 के आसपास आपको मिल जाती है। तो देखते हैं आज हम के 125 सीसी सेगमेंट में NS125 मार्केट में कहां फॉल करती है, ये एक कैसी मोटरसाइकिल है और बजाज इसमें आपको क्या क्या ऑफर करता है। भोपाल में अगर आपको बजाज की किसी भी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव चाहिए हो तो आप सुरजीत बजाज से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट हाइट के बारे में कि शॉर्ट राइडर्स के लिए कंफर्टेबल है या टॉल राइडर्स के लिए। तो आइए, मेरी हाइट है 5'8" और मैं इसमें अभी क्लोज टू फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे एक इंच भी किसी की हाइट कम है तो वो इसमें फ्लैट फुट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 805 mm की इसकी सीट हाइट मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट राइडर्स के लिए जो है टिप टो कर लेंगे तो भी आसानी से चला पाएंगे, तो उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। टॉल राइडर्स के लिए भी अगेन बहुत अच्छी है, तो फुटपैक पोजिशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, जिस वजह से टॉल राइडर्स इसमें क्रैम्प्ड फील नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा बाइक बहुत छोटी है। तो शॉर्ट राइडर्स और टॉल राइडर्स दोनों के लिए कंफर्टेबल है और टैंक रिसेशंस भी अच्छे बने हुए हैं, तो आपकी नीज जो है वो इससे आराम से कनेक्ट हो सकती हैं। तो अगेन शॉर्ट राइडर्स और टॉल राइडर्स दोनों के लिए मोटरसाइकिल कंफर्टेबल रहने वाली है। पिलियन स्पेस आप देख सकते हैं पीछे, सीटिंग रूम जो है पिलियन के लिए, ऑब्वियसली इसमें एक स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है और ये जो है मोटरसाइकिल काइंड ऑफ स्पोर्टी सेगमेंट में फॉल करती है, तो सीटिंग सेटअप जो है वो ओके मिल जाता है पिलियन कंफर्ट का, आपको बता रहा हूँ। तो सिंगल सीट सेटअप इसमें आपको नहीं मिलता, जो कि आपको बजाज पल्सर 125 में मिल जाता है, और 125 में भी अगर स्प्लिट सीट सेटअप पर भी आप जाते हैं तो उसमें इतना ऊंचा स्टेप अप नहीं मिलता है, जिस वजह से उसमें लेडीज आराम से बैठ सकती हैं। और ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बहुत ऑनेस्टी के साथ आपके लिए बना रहा हूं कि आप लोग को जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपके घर तक अच्छी बाइक आ जाए और आपकी हार्ड अर्न्ड मनी एक अच्छी बाइक पर इन्वेस्ट हो जाए। तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहे और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके की आपको ये की मिल जाती है, जैसे कि आपको नॉर्मल की मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको वेव बाइट की नहीं मिलती, जैसे कि इसकी एल्डर सिब्लिंग्स NS200 में आपको मिल जाती है। तो की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अगेन की में कॉस्ट कटिंग की गई है, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक मोटरसाइकिल है जो कि कम कॉस्ट पर आती है, छोटे इंजन के साथ आपको मिलती है। सबसे पहला मेजर चेंज यहां पर आपको मिलेगा फ्रंट प्रोफाइल में, जिसमें हेडलैम्प जो है वो चेंज कर दिया है। यही हेडलैम्प आपको NS200 में भी चेंज मिलेगा और NS160 में भी चेंज मिलेगा। डिजाइन तो जो है सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को बहुत पसंद आएगा, किसी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो है ठीक ठाक सा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा इस पर कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता कि बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पर्सनली वो हेलोजन हेडलैम्प ज़्यादा बेहतर लगता था, ज़्यादा अच्छा काम करता था वो, लेकिन ये भी जो है एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में, लेकिन लुक्स अभी भी थोड़े से ऐसा लग रहा है और बेहतर हो सकते थे। इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको हेलोजन मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, अगेन तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है इसमें। और उसके साथ यहाँ पर आपको ये नंबर प्लेट फिटिंग का कंपार्टमेंट मिल जाता है। मडगार्ड देखें तो मडगार्ड पर यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश मिलता है, जो मडगार्ड की क्वालिटी है प्लास्टिक की वो ठीक ठाक सी मिल जाती है, मतलब ये ऐसा है इस पर अगर आपने कस के इंपैक्ट मार दिया तो ये टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन इसमें नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली वो 125 सीसी में अभी कहीं पर भी नहीं आए हैं, लेकिन बजाज अगर दे देता है इसमें तो वो इसकी हैंडलिंग को भी इंप्रूव कर देते और एक नया एडिशन हो जाता सेगमेंट में। यहाँ पर आपको ये डिस्क ब्रेक मिल जाता है, काफ़ी छोटा सा डिस्क ब्रेक मिलता है, रोटोपेडल डिस्क मिल जाती है, ABS आपको इसमें नहीं मिलता है, और टायर्स की जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं काफ़ी कम विड्थ मिलती है। एक बार टायर का सेक्शन आपको बता देता हूँ कि सेक्शन इसमें कितना मिलता है टायर का, तो 80x100 का टायर मिलता है 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। तो टायर की जो विड्थ है वो बहुत ही कम है, बहुत पतला सा टायर है, तो देखने में उतना स्पोर्टी फील आपको नहीं आएगा, जैसे कि हम NS को हमेशा विजुलाइज करते हैं अपने माइंड में कि बहुत स्पोर्टी मोटरसाइकिल है। जो डिज़ाइन है साइड प्रोफाइल से उसमें कोई भी मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं, सिर्फ आपको ये एक्सक्लूसिव ऑरेंज कलर मिल जाता है, यहाँ पर पल्सर का आपको 3D एम्बलम मिल जाता है और व्हाइट कलर की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है यहाँ पर 125 की। जो स्टिकर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बबल्स हैं थोड़े से, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। और यहाँ पर भी जो कलर है उस पर भी थोड़ा सा ये साइड से ऐसे इस टाइप से जो है रफ एजेस ऑब्जर्व हो रही हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और बेटर इसमें हो सकती थी। बाकी इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके साथ जो इंजन है वो आपको इसमें 125 सीसी का मिल जाता है। इंजन में किक स्टार्टर अगेन इसमें मिल जाता है, पहले ना NS125 में मैंने शिकायत करी थी कि किक स्टार्टर जो है वो पैर से टकराता था, तो अभी एक बार बैठकर आपको दिखा देता हूँ कि ये पैर से टकराता है कि नहीं। हाँ, ये जो है आपकी लेग बोन से बहुत हल्का सा टच रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उतना इरिटेट नहीं करेगा, पहले जो है ज़्यादा इरिटेट करता था। तो ये जो फ्यूल टैंक जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लास्टिक का मिलता है, प्लास्टिक का इसका कवर आपको मिल जाता है, ऑब्वियसली अच्छे कट्स एंड क्रीसेस के लिए कंपनी ने इसको प्लास्टिक का रखा है। प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठाक सी मिल जाती है, फिट फिनिश लेवल्स जो है वो ठीक ठाक से मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अभी से यहाँ से हल्का सा कलर निकल रहा है जिस पे, तो प्लास्टिक क्वालिटी बिल्कुल ओके है, बहुत अच्छी नहीं कह सकता मैं। यहाँ पर आपको ये टैंक पैड मिल जाता है जिससे आप इसको जो है आगे यहाँ पर जो हिट नहीं करेंगे। जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ जाता है। इनफैक्ट यहां पर भी कंपनी ने स्मार्ट कनेक्ट लिख के रखा है,
स्मार्ट कनेक्ट तो TVS का था, लेकिन इन्होंने स्मार्ट कनेक्ट इन्होंने भी लिख दिया बजाज ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑल डिजिटल मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप ओडो, और उसके साथ आपको यहाँ पर ये टैकोमीटर भी ऊपर मिल जाता है। नीचे आपको ये कुछ ना कुछ जो है डिटेल्स इंडिकेट करता रहेगा, जैसे रिफ्यूल करना है, क्या करना है, कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको फोन की यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, जिसको आप टॉगल कर सकते हैं इस बटन से। वार्निंग लाइट्स में जा सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं, और यहाँ से पेयर कर सकते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। लेकिन धूप में जो है इसको देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी इस पर कभी स्क्रीन गार्ड भी चढ़ा हुआ है, तो उस वजह से भी नहीं आप देख पा रहे होंगे। बाकी ये एम का जो आपको बटन मिलता है, इससे भी आप इसको टॉगल कर सकते हैं। जब पेयर हो जाएगा तो आप इससे जो है एम के बटन से अपना कॉल जो है रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है, सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, स्विच गियर की क्वालिटी डिसेंट मिल जाती है, और स्विच गियर ब्लू कलर की बैकलाइट के साथ आपको मिलता है, जो कि अगेन देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्लिप ऑन्स यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं। और उसके बाद सीट पर वापस आ जाएं तो सीट आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, जो इसमें स्टेप अप है वो आपको ज़्यादा ऊंचा मिल जाता है, तो लेडीज़ के लिए उतना कंफर्टेबल मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन जो सीट का कुशन है वो काफ़ी अच्छा है, और सीट में स्पेस भी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रेयर प्रोफाइल पर अगर आ जाएं तो यहाँ पर आप एक बार देखेंगे तो इसकी आपको जो है पल्सर वाली आइडेंटिकल टेल लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें बरसों से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छी सी टेल टाइट ही मिल जाती है। रेड टायर अगर देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी नैरो सा मिलेगा, तो इसके स्पोर्टी फील में ऐड नहीं करता है वो। 100/90 का ये टायर मिल जाता है आपको। रेड कलर का मोनोशॉक मिल जाता है, नाइट्रॉक्स फिल्ड गैस के साथ आपको अगेन मिल जाता है। सेंटर स्टैंड मिल जाता है, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में कंपनीज जो है वो गायब करती जा रही है, तो सेंटर स्टैंड भी आपको मिलता है। बॉक्स सेक्शन स्विंग आप मिल जाता है। 1,05,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस में। इंजन पे अब हम आ जाते हैं वापस। तो इंजन में जो है सबसे पहली चीज़ ऑयल कूलर। ऑयल कूलर आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पर इसके फिन्स मिल जाते हैं, और उसके बाद 5-speed गियरबॉक्स के साथ इंजन मेटेड है। किक स्टार्टर मिल जाता है, बैटरी लो हो जाए तो किक से स्टार्ट कर सकते हैं। 11.8 BHP की मैक्स पावर मिलती है, और 11 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस पर आ जाए नीचे तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 179 mm का मिल जाता है। बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप इंडियन रोड्स पर आराम से चल सकते हैं, बाइक को लेकर कोई मेजर इशू नहीं है। इंजन के वाइब्रेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात आपको और बताना मैं भूल गया था कि इसमें आपको यहाँ पर ये USB चार्जर मिल जाता है। तो इस USB चार्जर को आप यहाँ से ओपन करके, तो क्या आपको दिख रहा होगा, इसको जो है USB लगा के फ़ोन को अपने चार्ज कर सकते हैं। वाइब्रेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं इंजन के एक बार। तो जब तक बाइक का इंजन 7000 RPM के नीचे है, कोई खास आपको वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगे। आइडल पर कोई ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, मिरर पे बहुत हल्के से वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। जैसे ही 7000 RPM के ऊपर जाएंगे तो सीट पर सबसे पहले वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं इसमें। ओके, तो सीट पर जो है वाइब्रेशंस बहुत तेज़ आते हैं, जो कि आपके पीछे से डेफिनेटली मसाज हो जाएगी। और फुटपैक्स पर भी एक बार देख लेते हैं, फुटपैक्स पर उतने ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, सीट पर जो है ज़्यादा वाइब्रेशन है। और बैक लाइट जो है वो कुछ इस तरीके की इसकी जलती है। बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के बारे में बात करें तो देखिए फिट एंड फिनिश लेवल्स जो है वो ठीक ठाक से ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स नहीं है। बिकॉज यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कलर निकल रहा है। अगर आप इसको TVS रेडर से कंपेयर करें, TVS रेडर से 19-20 साइज में फर्क मिल जाता है, और पल्सर 125 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी। पल्सर 125 के लेवल्स थोड़े से और कम आपको मिलते हैं। बाकी इसके आपको NS जैसे ही स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं, नेकेड स्पोर्ट मोटरसाइकिल जैसे। और अगर आपको इसका राइड रिव्यू देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका राइड रिव्यू मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो 1,05,000 रुपये में क्या ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आप खरीद सकते हैं? तो अगर आपको जो है यंगस्टर हैं आप, मेनली ये मोटरसाइकिल यंगस्टर्स को टारगेट करेगी, जिनको छोटा इंजन चाहिए जो कि माइलेज भी अच्छा निकाल दे। और माइलेज ही आपको अप्रॉक्सीमेटली निकाल के देगा 50 से लेकर 52 KMPL तक का। हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए माइलेज, बिकॉज आपकी राइडिंग स्टाइल पर वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको डेली में कॉलेज जाना है और एक अपग्रेडेड मोटरसाइकिल चाहिए, जैसे कि अभी इसमें अपडेट आ गया है LED हेडलैम्प का और इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपडेट हो गया है, तो थोड़ा सा एक फ्रेश लुक आ गया है गाड़ी में, लेकिन अभी भी साइड प्रोफाइल से जो है वो NS सीरीज से ही पूरी रिजेंबलेंस में मिलती है। तो आई होप सो आज की इस वीडियो में मैंने बजाज पल्सर NS125 के बारे में सारी डिटेल्स कवर कर ली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरी वजह से एक अच्छी बाइक आपके घर तक आ गई और आपके दिमाग से थोड़ा भी कंफ्यूजन दूर हो गया हो, तो SR मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।